तो हे गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं धीरज ब्लॉगर बेगूसराय बिहार से। तो आज हम करने वाले हैं रिंग लाइट का रिव्यू और आपको बताएंगे कि कौन सा रिंग लाइट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कौन सा कितने का पड़ता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो अभी हम दिखाने वाले हैं आपको कि कौन सा रिंग लाइट लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा यार, वो कम बजट वाला तो मतलब लो ही मत यार। जिसमें कम पैसे वाला होता है ना, वो तो लो ही मत, बिल्कुल मत लो। क्योंकि ना वो देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो, देखो कितना छोटा है, देखो बिल्कुल इतना छोटा है, ये देखिए। और ये देखिए टूटा हुआ था, फिर मैंने इसको बांध के ना इसका जुगाड़ कर रखा है, देखिए पूरा खुल जाता है। लेना है तो कॉस्टली लो, वरना लो ही मत, बिल्कुल बेकार है। देखिए तार तो देख लो कैसा हो रखा है, पूरा देखो पूरा। इतना सा रिंग लाइट 500-600 का मिलता है और पूरा बेकार होता है। मैंने जब से लिया बस ऐसे पड़ा रहता है ये घर में ऐसे। इसका यूज मैंने बस एक बार किया था, वो भी फ़ोन रखते ही सर, बस नीचे गिर जाता है। इसीलिए कॉस्टली लो, लेना है तो, वरना लो ही नहीं, क्योंकि ये सब रिंग लाइट चलने वाला नहीं है। पता नहीं कितना महंगा, इससे बढ़िया तो मैं वो समझता हूँ, होता नहीं है जो चार्ज करके चलता है इमरजेंसी लाइट, वो होता है इससे बढ़िया, इतना बेकार सामान। दोस्तों अगर आपको लेना है ना रिंग लाइट, तो डीजी टैग वगैरह का लीजिए। तो ये तो बिल्कुल यार बेकार ही है, जिसको बोलते हैं देख लें, कुछ नहीं है उसमें। उसमें तो आपको हर चीज़ का सपोर्ट मिलेगा, यूएसबी टाइप की हर चीज़, कुछ नहीं है उसमें। पीछे ना, पीछे यूएसबी मतलब फोन चार्जर कम है, तो आईफोन वालों को जैसे ये बिल्कुल उसमें हर चीज़ का सपोर्ट है। जैसे फ़ोन चार्ज नहीं है तो वीडियो बनाते वक्त तो उसमें आप बना सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जानकारी में, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक, बाय।